पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्वामी दयानंद अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत अस्पताल के ब्लड बैंक विभाग द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सहयोग से की गई है। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्री निर्मल जैन ने बताया कि कोविड-19 महामारी की इस लहर में लोगों का जीवन बचाने के लिए बड़ी मात्रा में प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है और प्लाज्मा की मांग लगातार बढ़ रही है। महापौर ने कहा कि 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के वे लोग प्लाज्मा दान कर सकते हैं जिन्हें कोरोना से रिकवर हुए 14 दिन हो चुके हैं। महापौर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने उन कर्मचारियों के आंकड़े भी इकट्ठा किए हैं जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं और प्लाज्मा दान करने के योग्य हैं। निगम द्वारा ऐसे कर्मचारियों से प्लाज्मा दान करने की अपील की जा रही है ताकि दूसरे संक्रमित लोगों का जीवन बचाया जा सके। महापौर ने योग्य लोगों से भी अपील की है कि वे दूसरे का जीवन बचाने के लिए प्लाज्मा दान करें और मानवता की मिसाल पेश करें। प्लाज्मा दान करने से संबंधित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क भी किया जा सकता है। अगर आप प्लाज्मा दान करना चाहते हैं तो आप दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0112258103 पर आप संपर्क कर प्लाज्मा दान कर सकते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।